हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद आशा डिलीशियस फूड। आज हम बनाने जा रहे हैं मावा गुलाब जामुन। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही कम समय में ये बन जाते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मावा गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें मावा चाहिए 250 ग्राम, इसे खोया भी कहते हैं। और चीनी की चाशनी बनाने के लिए 2 कप चीनी चाहिए और पानी चाहिए 3 कप और इलायची पाउडर चाहिए 1/4 चम्मच या फिर 3-4 इलायची आप साबुत कूट के डाल सकते हैं। तो चलिए गुलाब जामुन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे गुलाब जामुन की चाशनी यानी कि शुगर सिरम। इसके लिए मैंने 2 कप चीनी डाली है 1 पतीली में और 3 कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे और साथ ही मैं 3-4 इलायचियों को कूट के मैं डाल रही हूँ। आप चाहें तो इलायची पाउडर भी ले सकते हैं। और अब ये कुछ केसर के धागे ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो थोड़ा सा गुलाब जल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे बीच बीच में करछी की हेल्प से हम मिक्स करते रहेंगे ताकि चीनी अच्छे से पानी में घुल जाए। अब चाशनी को मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक हम पकाएँगे ताकि ये जब तक थोड़ी चिपचिपी ना हो जाए। हमें चाशनी की 1 तार या 2 तार नहीं बनानी, बस ये थोड़ी चिपचिपी हो जाए तो चाशनी हमारी बनकर रेडी है। तो अब हम गुलाब जामुन के लिए एक डो तैयार करेंगे। तो ये मैंने मावा लिया है 250 ग्राम और 1/4 चम्मच मैंने डाला है इलायची पाउडर और अब मैं डाल रही हूँ मैदा। तो ये 3 टेबल स्पून मैंने मैदा डाला है और 2 टेबल स्पून मैं सूजी डाल रही हूँ। सूजी इसमें ऑप्शनल है। तो ये देखिए मैं अच्छे से इनको मैश करते हुए मिक्स कर रही हूँ। तो खोए के साथ इन सभी चीज़ों को मिक्स करते हुए एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। अगर आपका मिक्सचर थोड़ा ड्राई है तो आप कुछ ड्रॉप इसमें दूध की भी डाल सकते हैं। अब एक सॉफ्ट डो तैयार हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। तो ये 1/2 छोटी चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर इसमें डाल दिया है और अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे डो के साथ। तो ये देखिए खोए का एक सॉफ्ट डो हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम हाथों को चिकना कर लेंगे और छोटे छोटे बॉल्स इसके बनाएंगे। तो हाथों पर मैंने थोड़ा देसी घी लगा लिया है और आप चाहे तो स्पून की हेल्प से इक्वल साइज़ के बॉल्स बना सकते हैं। तो ये देखिए छोटे छोटे बॉल्स मैं बना रही हूँ क्योंकि चाशनी में जाने के बाद ये बॉल्स थोड़े फूल जाते हैं और हमारे गुलाब जामुन बड़े साइज़ के बन जाते हैं, इसीलिए मैं बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ के गुलाब जामुन बना रही हूँ। तो अब गैस पर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और रिफाइंड ऑयल इसमें गर्म होने के लिए डाल दिया है। तो ये देखिए मावा के डो से मैंने सभी बॉल्स बनाकर तैयार कर लिए हैं और अब हम इन बॉल्स को तेल में फ्राई करेंगे। तो तेल का टेम्परेचर हम चेक कर लेंगे, हमें ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए। तो एक छोटा सा बॉल्स हम डालकर पहले चेक कर लेंगे, अगर वो धीरे धीरे ऊपर आएगा यानी कि तेल हमारा परफेक्ट है। तो एक साथ हम सभी बॉल्स को नहीं डालेंगे, पहले हम 3-4 बॉल्स डालेंगे और एक साइड में कुक होने के बाद उनको दूसरी साइड हम चम्मच या करछी की हेल्प से पलटेंगे। बहुत ही सॉफ्ट ये हमारे मावा गुलाब जामुन होते हैं तो इनको बहुत सॉफ्ट तरीके से हमें दूसरी साइड में पलटना है और इनको लो फ्लेम पर ही हमको फ्राई करना है। हाई फ्लेम पर ये बाहर से तो कुक हो जाएंगे बट ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसीलिए इसको लो फ्लेम पर ही हमें फ्राई करना है। एक साइड फ्राई होने के बाद दूसरी साइड पलटकर फ्राई कर रही हूँ। तेल को घुमाते हुए एक साइड फ्राई होने के बाद इनको चम्मच या वुडन स्पून की हेल्प से दूसरी साइड पलटें क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होने की वजह से बीच में क्रैक भी हो सकते हैं। तो ये देखिए पहला बैच मैंने निकाल दिया है, अब इसी तरह से दूसरा बैच भी मैंने इसमें डाल दिया है। तो ये देखिए पहले वन साइड कुक होने के बाद तब मैं इनको दूसरी साइड से पलट कर फ्राई कर रही हूँ और चम्मच की हेल्प से मैं इनको दूसरी साइड में पलट रही हूँ क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हैं। तो ये देखिए वन साइड अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने के बाद ही हम इनको दूसरी साइड पलटेंगे और ये देखिए धीरे धीरे इनको दूसरी साइड से भी मैं गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ। जैसे ही ये चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और तुरंत ही हम इनको शुगर सिरप में डाल देंगे। और जो चाशनी है वो हमारी ठंडी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी गुनगुनी चाशनी होनी चाहिए। और अगर चाशनी आपकी ठंडी हो गई है तो आप गैस पर उसे थोड़ा सा गुनगुना कर लें और फिर सारे बॉल्स को 1 by 1 करके मैं चाशनी में डुबो दूंगी। और ये देखिए चाशनी में मैं इनको अच्छे से भिगो दूंगी और ये देखिए चम्मच की हेल्प से अच्छे से चाशनी में डिप करते हुए सभी गुलाब जामुन को मैं चाशनी में मिक्स कर लूँगी। अब 3 से 4 घंटे तक हम इनको इसी तरह से चाशनी में भिगा हुआ रहने देंगे। तो ये लीजिए टेस्टी स्वीट गुलाब जामुन बनकर हमारे रेडी हैं और 3 से 4 घंटे बाद आप इनको गर्मा गर्म इन्जॉय कीजिए। आप इनको चाहे ठंडा खाइए चाहे आप इनको थोड़ा सा गुनगुना करके खाइए, बहुत ही मज़ेदार ये गुलाब जामुन हमारे बनकर रेडी हुए हैं।
तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये देखिए, एक गुलाब जामुन मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, अंदर तक कुक हुए हैं, एकदम सुपर टेस्टी गुलाब जामुन बनकर रेडी है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अब अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।